नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी नहीं चली थी, तो आज की क्लास में, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम दो दिनों के करंट अफेयर्स 18 और 19 यानी कि 18 और 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए और अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूले, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान हम बहुत सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं, हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी चीज आपकी छूटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए आप सभी लोग, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों पे आते हैं, और हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए, जो ये एक अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि इस साल 16वां संस्करण है, और भारत और किस देश के बीच में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपके सामने ऑप्शंस खुले हुए हैं स्क्रीन पे, और जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और कोशिश क्या करिए आप लोग आंसर देते रहा करिए, ना सिर्फ इन क्वेश्चंस का बल्कि जो क्लास के दौरान जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उनका भी आंसर आप लोग दिया करिए। कुछ बच्चे बहुत रेगुलर हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और आप लोग भी जो है आंसर देते रहिए इसी तरीके से। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, इस साल इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण, ये इस साल 16वां संस्करण है, आयोजित किया जा रहा है भारत और नेपाल के बीच में, और इसकी जो शुरुआत हुई है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की 16 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इसका जो आयोजन दोस्तों किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये हर साल होता है, और एक बार नेपाल में होता है और एक बार भारत में होता है। इस साल इसका नेपाल में आयोजन किया जा रहा है, नेपाल में एक आर्मी स्कूल है, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में देखा जाए तो भारत की और जो है नेपाल की तरफ से जो सेनाएं भाग ले रही हैं, तो नेपाल की तरफ से देखा जाए तो श्री भवानी बख्श बटालियन के जवान भाग ले रहे हैं, और भारत की तरफ से भारतीय सेना के 5GR के जवान जो है इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बेसिकली इस अभ्यास का अगर हम उद्देश्य देखिए कोई भी अभ्यास जो किया जाता है, चाहे वो नौसेना अभ्यास हो, चाहे वो थल सेना अभ्यास हो, चाहे वो वायुसेना अभ्यास हो, इस अभ्यास का उद्देश्य होता है कि जिन देशों के बीच में ये अभ्यास हो रहा है उन देशों के सेनाओं के बीच में एक आपस सामंजस्य स्थापित करना, उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो उनका अपना एक अनुभव है उन अनुभवों को साझा करना और रिश्तों को मजबूत करना, इस अभ्यास का भी उद्देश्य कुछ इसी तरीके से है। इस अभ्यास में देखा जाए जो इस क्षेत्र में भारत नेपाल वाले क्षेत्र में जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, उन आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध जो दोनों देश की सेना अभियान करते हैं, उन अभियानों के संचालन जो सामरिक संचालन है उनकी योजना बनाना, ठीक है, साथ ही देखा जाए बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती, जैसे कि भारत नेपाल में बहुत कभी बाढ़ आ जाता है, कभी उस बाढ़ से भारत भी प्रभावित होता है, उस दौरान जो एक आपदा प्रबंधन होता है, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र होता है, और इनमें क्या है जो इन सशस्त्र बलों की भूमिका होती है, उन भूमिका को, उस भूमिका पर केंद्रित अभ्यास को किया गया था। ठीक है, इसमें देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एक मैंडेट तैयार किया गया, उस मैंडेट के तहत जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय वाला क्षेत्र है, उन पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध हो गया, जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उसमें अगर किसी तरह का मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उस दौरान जो है मानवीय सहायता करना, जो आपदा कोई आ गई तो उस दौरान जो मानवीय सहायता करना, साथ ही साथ आपदा कार्यों की जो क्षमता है इन दोनों देशों की क्षमताओं का आदान प्रदान करना, आपसी सहयोग करना, ऐसी स्थितियों में यही क्या है इस सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखेगा, और ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन दो वार्षिक होता है, और ध्यान रखिएगा ये बारी बारी से, कभी एक बार भारत में एक बार नेपाल में, जो 12वां यहाँ पे इस वर्ष 16वां संस्करण हुआ नेपाल में, तो ऑब्वियस है इसके पिछला जो संस्करण हुआ होगा वो भारत में होगा, तो ये 15वां संस्करण 2021 में आयोजित जो किया गया था ये ध्यान रखिएगा भारत में, और भारत में भी कहा दोस्तों, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो हमने बात किया सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल। देखिए आपके सामने कुछ और भी हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप मुझे बताएं भारत जो है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास करता है। कई बार मैंने बताया है और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी हाल फिलहाल में एक योजना थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, और इस योजना का नाम बदल दिया गया है। देखिए क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, प्रधानमंत्री कौशल कार्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वल कार्य या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल कौशल। दोस्तों इसका जो नाम बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री विकास योजना यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है। आइए इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं स्मृति जुबिन या आपके देखा जाए स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने 15 दिसंबर को लोकसभा में एक रिटन आंसर में यानी कि एक लिखित जवाब में, एक लिखित उत्तर में इन्होंने ये बताया कि जो प्रधानमंत्री कौशल को काम योजना है, कौशल को काम कार्यक्रम है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी योजना का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि प्रधानमंत्री विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये ध्यान रखिएगा माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत है। इस पूरी योजना का जो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इस पूरी योजना के बारे में बात किया जाए जो कि संचालित किया जाता है, तो जो पहले के कुछ पांच पूर्ववर्ती योजनाएं थी उनको समन्वित करके, उनको मिला करके इस एकीकृत योजना को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा तो इस कौन कौन सी वो पांच योजनाओं थी जिनको मिलाया गया, तो यहाँ पे देखिए सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। इन पांच योजनाओं को मिला करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना बनाया गया, एकीकृत योजना किया गया। इस योजना की बात किया जाए तो जिसकी अवधि होगी, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, तो इस कैबिनेट ने जो 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है उसी योजना के लिए इसको मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग की जो देखा जाए 2020 से लेकर के 2025, ठीक है, वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित है, तो यहाँ पे 5 वर्षों के इस कार्यकाल के लिए इस योजना को मंजूरी दिया गया है। इस योजना की बात करें यानी कि पीएम प्रधानमंत्री विकास योजना की बात करें, विरासत का संवर्धन योजना की बात करें, तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जो भी कौशल विकास है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके कौशल को बढ़ावा देना, उनके शिक्षा का, महिला नेतृत्व प्रदान करना, और जो उद्यमिता है, और जो उद्यमिता है उनके घटकों का उपयोग करके जो अल्पसंख्यक विशेष करके देखा जाए जो कारीगर समुदाय है उनमें आजीविका में सुधार करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये इसका उद्देश्य है। इसका जो अंतिम उद्देश्य देखा जाए एक तरीके से देखिए, जब किसी का कौशल होगा किसी के अंदर तो उसको जब बढ़ावा मिलेगा तो एक तरीके से उसको रोजगार की प्राप्ति होगी। तो इसका एट द एंड एकदम बेसिकली इसका उद्देश्य देखा जाए जो लाभार्थी है इस योजना के तहत उनको आय बढ़ाना, यानी कि उनके कौशल को सरकार की तरफ से, यहाँ पे देखिए क्रेडिट और बाजार लिंकेज, उनके कौशल को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको एक तरीके से उनके आय का सृजन करना, ठीक है, और ना सिर्फ उनके आय का सृजन करना बल्कि उनको एक तरीके से उनके कौशल को बाजार तक भी पहुंचाना जिससे उनको एक अपना एक बाजार मिल सके। दूसरी चीजें बात करें कि इस सारी तरह की सुविधाएं बहुत सारे तरीके से सरकार प्रदान करेगी जिससे कि उनका एक आय का सृजन हो, ना सिर्फ आय का सृजन बल्कि उनकी आय भी बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री विकास योजना मंत्रालय ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 15वें कितने योजनाओं को, किन किन योजनाओं को मिला करके इस स्कीम को बनाया गया है ये ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है उसके तहत जो है कैबिनेट ने उसकी जितनी अवधि है इस योजना को मंजूरी दिया उस अवधि के लिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम विश्व में 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम
पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम बनाए गए और उसमें एक भारत सरकार का कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, उसको पुरस्कृत किया गया है। जिस तरह की उसकी योजना रही है और जिस तरीके का वो अपने क्षेत्र में जिस तरह का वो सफल परिणाम दिया उसको देखते हुए उसको सम्मानित किया गया है। और ये योजना दोस्तों और कोई नहीं बल्कि है नमामि गंगे, ठीक है। गंगा को पुनर्जीवित करने की चलाई गई योजना नमामि गंगे को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आइए इसके बारे में बात करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अभी हाल फिलहाल में जो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है वहां पे CO15 बायोडायवर्सिटी का जो है CO15 आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान इस सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे, कनाडा में, और यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में जो भारत की नमामि गंगे है योजना है, नमामि गंगे के साथ जो गंगा के कायाकल्प परियोजना है, जो गंगा जो प्रदूषित हो चुकी है उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसका कायाकल्प करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और इस नमामि गंगे को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए जिस कौन कौन सी, जैसे विश्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिससे जो आपकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बहाली मिलेगी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। इन योजना के अंतर्गत दुनिया की जो सबसे 10 महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योजना है, जैसी ऐसी पहली कभी योजना नहीं बनी हो इस तरह की योजना में इसको शामिल किया गया है। तो दुनिया के 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में नमामि गंगे को भी मान्यता दी गई है। इसमें देखा जाए जो नमामि गंगे के इस समय महानिदेशक है श्री जी अशोक कुमार, उनको जो है 14 दिसंबर को देखिए वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे, ध्यान रखिएगा। और इसी अवसर पर 14 दिसंबर को ही इसी अवसर पर जो नमामि गंगे के महानिदेशक है श्री जी अशोक को क्या दिया गया, इस समारोह में पुरस्कृत किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो अवसर है मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर कन्वेंशन पक्षकारों का 15वां सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल में हो रहा है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और इसी दौरान उनको इसके लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय जो इस पूरे परियोजना का निरीक्षण कर रही है, परियोजना की देखरेख कर रही है, इससे देखा जाए एक इससे बताया कि एक बयान दिया कि जो नमामि गंगे है वो दुनिया में जो 70 देशों में से जो 150 से अधिक जो पहले उसमें से नमामि गंगे को चुना गया और 10 एक तरीके से अभूतपूर्व पहलों में इसको स्थान दिया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें, अब जब इस तरीके से सम्मानित किया गया तो इसके बाद इस कार्यक्रम को जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको समर्थन मिलेगा, इसको आर्थिक सहायता यानी कि वित्त पोषित किया जाएगा और ना सिर्फ वित्त पोषण बल्कि तकनीकी विशेषताएं भी, तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी इसको नमामि गंगे परियोजना को। इससे जो है ये परियोजना और भी अपने अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी। इसके बाद इस परियोजना की नमामि गंगे परियोजना जो कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई गई परियोजना, ये देखा जाए तो 2014 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था, गंगा नदी को फिर से क्या करना, जीवंत करना, ठीक है। और इस पहल को जो है कि ये किस मंत्रालय की पहल है, ध्यान रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। इसे जो कि इसका क्रियान्वयन जो किया जा रहा है वो एक मिशन के तहत, कौन से दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। और साथ ही साथ जो गंगा नदी जिन जिन राज्यों से होकर के बहती है उन राज्यों के समकक्ष जो संगठन है उनके द्वारा जो है इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की तो इस मिशन ने भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके लिए इसको सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इसने प्राप्त किया। चलिए अब मुझे आप यहां से आंसर करेंगे कि गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और ये पर्वतीय क्षेत्र से कौन से शहर से मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में ये किस शहर से किस जिले से होते हुए प्रवेश करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आज सिर्फ यही दो क्वेश्चन रहेंगे, आप मुझे बताएंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और गंगा से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने अग्नि 3 के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग बात कर रहे हैं अग्नि 5 का और ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका देखिए सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो किया है भारत। इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से दे देंगे,
तो अभी यहाँ पे देखा जाए 15 दिसंबर की बात है जब भारत ने जो है परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये कौन सी है दोस्तों? अग्नि 5 है। इसका जो संचालन करा गया है वो देखिए, इसका जो इस पूरे अग्नि 5 मिसाइल का जो संचालन करने वाली जो सामरिक बल कमांड है, इसका प्रक्षेपण कहां से किया दोस्तों उसने? तो ये उड़ीसा का जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे हम पहले विलर द्वीप के नाम से जानते थे, तो वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 5 की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले बात ध्यान रखेगा कि ये एक तरीके से जो विकसित की गई ये मिसाइल है, इसका जो है सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये सतह से सतह पर मार करने वाली यानी कि सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। और इसको एक प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। ये प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रोग्राम के तहत जो है भारत में अग्नि मिसाइलों का जो क्रम है, अग्नि मिसाइल को जो है विकसित किया गया है, बनाया गया है। और अभी हाल फिलहाल में अग्नि 5 का प्रक्षेपण किया गया है जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दागो और भूल जाओ, यानी कि एक बार अगर आपने इसको लॉन्च कर दिया तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसको रोकने के लिए यहाँ पे इंटरसेप्टर मिसाइल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बिना इंटरसेप्टर मिसाइल के आप अग्नि 5 को नहीं रोक सकते। इसकी मारक क्षमता की दोस्तों बात किया जाए तो ये 5000 किलोमीटर तक के से जो है लक्ष्य को या उससे अधिक के लक्ष्य को ये भेज सकती है, यानी कि इसके जद में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगान, यहाँ पे जो है चीन का बहुत सारे क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो है ये इस अग्नि 5 मिसाइल के जद में आ सकते हैं। तो इसकी मारक क्षमता ध्यान रखिएगा। अग्नि 5 के बारे में बात करें दोस्तों और विशेषता, तो ये भारत की पहली और ध्यान रखिएगा एकमात्र इंटरसेप्टर यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक प्रवेश करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, पहली और अभी तक एकमात्र। इसका जो विकास किया गया, इसको जो बनाया गया है वो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि ये प्रोग्राम जिसके विचार रखा गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस प्रोग्राम की विचार को रखा गया था। और जिसका उद्देश्य अगर देखा जाए क्या था, तो देश को क्या है मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत देखिए कब थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी 1983 में हुआ था और ये कार्यक्रम मार्च 2012 में पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो 5 मिसाइलों को विकसित किया गया है, 5 मिसाइलों को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। ये 5 मिसाइल कौन कौन से, ये नाम ध्यान रखेगा। सबसे पहले तो बात है, हम लोगों ने अग्नि की बात किया, ठीक है, अग्नि यहाँ पे देखिए माफ करिएगा पृथ्वी है, फिर अग्नि है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमें त्रिशूल, ठीक है, फिर यहाँ पे नाग, और फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, आकाश, ठीक है। तो आप देखिए इसका आपको याद करने का तरीका क्या मिल गया, पटना, ठीक है, बिहार की जो कैपिटल है पटना, पटना यानी कि पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश, ये 5 मिसाइलों को जो इंटीग्रेटेड जो है आपका ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत विकसित करने का मंजूरी दिया गया था। अग्नि 5 का आप लोगों ने देख ही लिया, अग्नि 5 का जो कि मारक क्षमता 5000, देखिए बाकी के भी डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा खुद पढ़ लीजिएगा। अग्नि 1 है यहाँ पे, ठीक है, 2, 3, 4, इन सबों की मारक क्षमता भी ध्यान रख लीजिएगा कितनी किसकी है, ठीक है, मन करे तो आंसर भी करिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। अगला देखिए प्रश्न है हमारा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 2023 में कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह दोस्तों, ये इसका आंसर है ए, यानी कि जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है वहां पे भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का, और भारत की अध्यक्षता में ये फरवरी यानी कि 6 से लेकर के 8 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। इसके आयोजन से पहले देखिए एक कर्टन रेजर का उद्घाटन किया जाता है इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, और इस कर्टन रेजर का उद्घाटन जो किया गया है वो भारत की जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
और आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो जो मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप एस पुरी, और इसी के साथ साथ जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई, इन लोगों ने मिलकर के इनकी उपस्थिति में जो है हरदीप एस पुरी जी ने कर्जन रिजर का उद्घाटन किया। अगर हम कर्जन रिजर की बात करें तो ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह जिसका आयोजन 2023 में बेंगलुरु में फरवरी में होने वाला है, उस सप्ताह की तैयारी के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जो कई प्रारंभिक कार्यक्रमों की शुरुआत को ये चिन्हित करता है। कौन? कर्टन रिजर्व, कर्टन रूल्स। यहाँ पे सप्ताह की बात किया जाए तो इस सप्ताह में देखा जाए 30 से अधिक ऊर्जा मंत्री, 50 सीईओ और लगभग 10,000 से अधिक जो है प्रतिनिधि इस भारत ऊर्जा सप्ताह में सम्मिलित होने वाले हैं। उनको उम्मीद है सम्मिलित होने की, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेटकॉम उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो कौन सा देश ऐसा है जो विश्व का पहला देश है जो सेटकॉम यानी कि उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? देखिए, वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा देश भारत होने वाला है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भारत की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष जो वर्तमान में जिनका नाम है पी डी बघेला, उन्होंने ये एक कार्यक्रम था जिसका नाम है इंडिया सेटकॉम 2022, उसमें घोषणा किया कि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के 8वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। ठीक है, ये जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का, उसी में भारत जो है पहली बार जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहा है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई इसका, इस नीलामी का? तो ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, यही क्या है इसका उद्देश्य है। हम जो कि एक अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो दूर संचार को रेगुलेट करती है, जिसका नाम है ट्राई, जिसका हम इसका हिंदी का फुल फॉर्म देखें तो भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। किस अधिनियम के तहत? भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। किस लिए? तो जितनी भी जो ये टेलीकॉम सर्विसेज है यानी कि जो दूर संचार सेवा है उनको विनियमित, उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में जो इसके इनके जो उद्देश्य है, यहाँ पे माफ करिएगा, जो इसके अध्यक्ष है ट्राई के, वो है पी डी बघेला, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा ट्राई। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की भारत किस वर्ष तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को, 20 नए न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को स्टार्ट करने की योजना भारत सरकार बनाई है, और ये किस वर्ष तक दोस्तों? तो 2031 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2031 तक। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो भारत जैसा कि 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई को चालू करने की योजना बनाया है, और इसमें जो है इस 20 नए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई है उससे ये माना जा रहा है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी भारत की वो कितनी बढ़ जाएगी, 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो अभी अगले साल यानी कि 2023 में भारत जो है गुजरात में जो काकरा पार है, काकरा पार में 2023 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई जो है उसको चालू करने की योजना है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि 700 मेगावाट इकाई मतलब बिजली उत्पादन होगा। वही हम बात करें यहाँ पे अगला, देखिए कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2024 में चालू की जाने की योजना है। उसके बाद देखा जाए तमिलनाडु में ही अभी कुंडमकुलम जो कि भारत और रूस मिलकर के, रूस के द्वारा इसको स्थापित किया गया कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको 2025 तक चालू की जाने की योजना है, और ये ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक है, और इससे लगभग 1000 मेगावाट जो है एनर्जी रिलीज की जाने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान का जो रावत भाटा है वहां से लगभग 700 मेगावाट की दो इकाइयों को 2026 में पूरे की जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है 2031 तक 20 में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को स्थापित करने की योजना बनाया है, और इससे भारत की 15,000 जो है मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। हमने बात किया भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, कुंडमकुलम। अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा तारापुर,
तारापुर जो है ये भारत का सबसे पहला तारापुर और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है। और 1969 में इसको स्थापित किया गया था और ये भारत का पहला पावर न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है उसके आयोजन समिति का जो सीईओ नियुक्त किया गया है वो सिडनी हुक को किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये अमेरिका कार्यकारी है, अमेरिकी कार्यकारी सिडनी हुक को, जैसा कि 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में होने वाला ऑस्ट्रेलिया के, और उसकी पूरी जो योजना बनाई जाएगी जो 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की जो योजना बनाई जा रही है उस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष बनाई गई है वो बनाई गई है सिडनी हुक, ठीक है, उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये जो निर्णय लिया गया था कि 2032 में जो है ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ये जैसा कि जुलाई 2021 में टोक्यो जापान में जो हुआ था ओलंपिक, कौन सा दोस्तों 138वां इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी यहां पे कमेटी थी उसके द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया, ब्रिस्बेन में इसकी मेजबानी की पुष्टि की गई। इससे पहले देखा जाए ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक में, ऑस्ट्रेलिया में इसके पहले भी दो बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी हुई है, आयोजन किया गया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1956 में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया इसके पहले भी दो बार किया है आयोजन, तो 1956 में किया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी, फिर सन 2000 में किया था सिडनी में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के, और अभी देखिए 2032 में ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है और वहां के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, ठीक है, एक सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किस एयरलाइन को, तो ये दिया गया है स्पाइस जेट को, ठीक है, स्पाइस जेट को दिया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइस जेट एयरलाइन है, स्पाइस जेट एयरलाइन को दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, जो दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा। स्पाइस जेट के बारे में बात किया जाए तो इसने देखा जाए सेल्फ हैंडलिंग हैंडलिंग एयरलाइंस के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ये एयरपोर्ट यहाँ पे जो है एयरलाइन रही है, और ये जमीनी सुरक्षा उल्लंघनों को काफी कम करने में भी सक्षम रही है, तो इसलिए इसको दिया गया है। जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है यानी कि जो सेफ्टी मानक होते हैं, ठीक है, जो इसका सेफ्टी परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस रही है उसमें इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिस कारण से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया गया, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये जो फुटबॉल क्लब हो रहा है विश्व कप उसकी मेजबानी 2023 में देखिए ये कौन सा देश करने वाला है, चिली, फ्रांस, मोरक्को या फिर अर्जेंटीना। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था जो कि फीफा में भी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप जिसका फाइनल भी हो गया, तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करें दोस्तों तो फीफा वर्ल्ड कप में जो ये अफ्रीका के पहला नेशन है मोरक्को जो कि सेमीफाइनल में पहुंचा लेकिन दुर्भाग्य से ये फ्रांस से हार गया, ठीक है, तो मोरक्को, और मोरक्को ही है जो अगले साल जो है यानी कि 2023 में, ध्यान रखेगा, फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। और इसकी जो घोषणा की गई है वो जो फीफा की जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि अगले साल 2023 में मोरक्को जो है फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। और ये जो टूर्नामेंट होगा कौन सा फुटबॉल क्लब विश्व कप का, ये फरवरी में होगा, 1 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक चलेगा। और ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जो मोरक्को फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, इसके पहले भी इसने दो बार यानी कि 2013 और 2014 में भी इस क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को ने की थी, ठीक है।
टूर्नामेंट के हालिया संस्करण यानी कि अगर 2023 में देखें तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पे दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, फरवरी में ही हुआ था। और इसमें देखिए विजेता कौन रहा था, ये इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी जो है ये विजेता रही थी। सबसे पहला अगर फुटबॉल विश्व कप की बात करें यहाँ पे फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप की, तो ये 2000 में आयोजित किया गया था ब्राजील में, और इसका जो विनर था सबसे पहले वो ब्राजील के कोरियंस पोलिस्टा ने इसको सबसे पहली बार जीता था। सबसे जो अधिक बार ये फुटबॉल क्लब हुआ है, ठीक है, विश्व कप फुटबॉल क्लब विश्व कप का जो सबसे अधिक बार आयोजन जीता है, कब जीता है, वो स्पेन ने जीता है। स्पेन की जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है उसने सबसे ज्यादा बार इस कप को जीता है, टोटल 4 बार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब हम बात करते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि 13 से 15 दिसंबर को जो इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया दोस्तों, दुबई में किया गया। यूएई के एक शहर दुबई में इसका आयोजन किया गया, इंडिया ग्लोबल फोरम। अभी हाल ही में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ब्रेस्ट स्ट्रोक जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड किससे बनाया, चाहत अरोड़ा ने बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के अभी आर्थिक विकास दर का अनुमान जो लगाया है वो इस साल कितना लगाया है दोस्तों, 7% लगाया है। देखिए अभी हाल फिलहाल में गुजरात की जो विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए हैं दोस्तों, ये शंकर चौधरी जी नियुक्त किए गए हैं। और अभी देखें गुजरात के मुख्यमंत्री पुनः जो नियुक्त किए गए हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए नाम क्या है। और आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है कि 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया है, किसके द्वारा दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए टर्म आपको मिला कर्ज राइट ऑफ यानी कि लोन राइट ऑफ। देखिए लोन राइट ऑफ क्या होता है, जब भी जो बैंक होता है जब किसी को लोन देता है तो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने लोन इतने दिनों के बाद आपको उस लोन को वापस देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। क्योंकि लोन क्या होता है दोस्तों, जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो एक एसेट क्रिएट करता है, ठीक है, और जो लोन लेता है उसके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए कोई लोन है जिसका समय जो है इसी 31 दिसंबर तक का समय रहा होगा कि इस 31 दिसंबर के बाद से आपको लोन वापस करना है जो आपने बैंक से लिया, लेकिन जिसने लोन लिया है वो बैंक को 31 दिसंबर तक उसके बाद से वो लोन वापस नहीं करता है। बैंक उसे कांटेक्ट करता है, भैया जो लोन लिए थे वापस करो, ऐसा करते करते 90 दिन बीत जाता है। 90 दिन तक यानी कि अब ये जो है, अब जिस दिन यानी कि 31 दिसंबर के बाद से जो लोन नहीं आ रहा है उसको बैंक किससे कंसीडर करेगी, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो अब परफॉर्म करना बंद कर दिया है। क्योंकि लोन क्या है, बैंक जब लोन देगी तो वो लोन बैंक के लिए तो एसेट्स होगा क्योंकि उस पर वो इंटरेस्ट लेगी जिसको वो लोन दी रहेगी, लेकिन जब उसको वो लोन जो दी है वो वापस नहीं मिल रहा है तो वो एसेट्स क्या है, वो परफॉर्म करना बंद कर दिया है, तो ऐसे लोन को बैंक एनपीए में डाल देती है। अगर यही एनपीए 90 दिन तक बना रहता है, बैंक कोशिश कर रही है लोन वापस मिले, लेकिन अब 90 दिन भी हो गया, अब 90 दिन के बाद का जब दिन आएगा और फिर भी उसको इसका कोई एसेट्स नहीं मिलेगा रिटर्न में, तो ऐसे लोन को ऐसे कर्ज को बैंक जो है कर्ज राइट ऑफ डाल लेती, यानी कि ऐसा कर्ज ऐसा लोन जो डूब गया है, ठीक है। तो इतना देखिए अभी 4 साल में कितना भारी नुकसान हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि 1.65 लाख करोड़ जो है लोन को उसने राइट ऑफ किया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया और करंट अफेयर्स के दौरान मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया, उम्मीद है आप मुझे उसका आंसर करेंगे। चलिए तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो उसका वो आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए वहां से डाउनलोड करिए, रिविजन करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।